मैं हूं शहाब और मैं हूं समीन। इस सीरीज में हम आपको लेके चलेंगे मालदीव्स ऑन अ बजट, देंगे तमाम इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स। और इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी बहरीन टू मालदीव्स। मिलाएंगे आपको गल्फ एयर के केबिन क्रू से, देंगे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट एंड वीजा इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सेम इंफॉर्मेशन विद पैकेजेस। तो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग जा रहे थे रियाद से बहरीन, और फिर अब हम जा रहे हैं बहरीन से मालदीव्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जहाज़ काफ़ी बेहतर था एज़ कम्पेयर टू आवर लास्ट फ्लाइट। दिस इज प्रीमियम एंड दिस इज इकोनॉमी। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो जहाज़ की थी वो थी स्क्रीन इटसेल्फ। स्क्रीन काफ़ी अच्छी थी, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमारे पास लेग स्पेस था, एंड ओवरऑल जो एयरप्लेन था वो काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और टिपिकल सेफ्टी गाइडलाइंस को रिप्लेस करते हुए ये एक छोटी सी इलस्ट्रेशन। ओके गाइस, अभी तक ये फ्लाइट इज वेरी गुड और सीट्स भी बहुत अच्छी हैं, और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो सबीन आप अपनी स्क्रीन दिखाएं। स्क्रीन इज़ वेरी गुड, और अभी हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं और एंड वी विल टेल कि इसमें और क्या फीचर है। हाँ जी, वीडियो मेरे पास सबसे पहले ये कैटलॉग है, ठीक है, उसके बाद कैटलॉग है, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली अ शॉप। आप इनसे परफ्यूम वगैरह ले सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। उसके बाद हमारे पास ये है जो कोई नहीं पड़ता, ठीक है, एंड दिस फॉर वॉलनटिंग एंड दिस इज हेडफोन्स। और ये देखिए, दिस इज टोटली मूवेबल, आप इसको जैसे चाहें मूव कर सकते हैं एंड इट विल एडजस्ट। ओके गाइस, तो ये वो स्क्रीन है जिसकी मैं बात कर रहा था, और देसी लैंग्वेज में इसको टीवी भी कहा जाता है जहाज में। तो गाइस, अच्छा है आपके पास यहाँ पे मूवीज़ हैं, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे टीवी प्रोग्राम्स हैं। मैं तो ज़्यादातर यू नो स्पोर्ट्स लवर हूँ, तो इस तरह के प्रोग्राम्स देखता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे म्यूज़िक है, गेम्स हैं, गेम्स भी अच्छी हैं, और ई बुक्स हैं, ठीक है, और ये इस्लामिक प्रोग्राम है। यहाँ पे आप दर्स वगैरह या दावत वगैरह सुन सकते हैं। तो और ये आपको सारे इंटरेक्टिव मैप जो है सबसे इंटरेस्टेड है, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, ये आपको सब बताता रहेगा, सो इट्स वेरी नाइस। ओके गाइस, ये आप देख सकते हैं इंटरेक्टिव मैप है, बहुत ज़बरदस्त। और अभी हम यहाँ पे हैं बहरीन में, और बहरीन से हम लोग जाएंगे मालदीव्स, और मालदीव्स का कैपिटल है माले। और बहुत ज़बरदस्त ये मैप है, आसपास आप सब चीज़ें देख सकते हैं। श्रीलंका बहुत पास है, उसके बाद एक और आइलैंड है सेशल्स, फिर उसके बाद मदागास्कर आता है, और नीचे अगर आप चले जाएं तो ये और मज़ीद आइलैंड के बाद अंटार्कटिका आता है। तो इट्स सो ऑसम, आप पूरी दुनिया देख सकते हैं गाइस। सो या सो फार सो गुड गाइस। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दे आर क्रूजिंग एंड दे हैव समथिंग नोन एज स्काई नैनी, दे आर द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस दिस, यानी यू हैव योर नैनी इन द एरोप्लेन फॉर योर चाइल्ड, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, दे विल टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। एंड ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू कैन चूज देयर बिजनेस क्लास, वो भी बहुत अच्छी है। उसके बाद दे आर वेल नोन फॉर देयर फूड, एंड या एंड आल्सो वन मोर थिंग, अगर आप बहरीन से कहीं ट्रेवल कर रहे हो सो दे ऑफर्स यू सम डिस्काउंट्स इफ़ यू कैन स्टे इन बहरीन, लाइक 2 to 3 days अगर आप बहरीन में स्टे करें और अपनी डेस्टिनेशन में जाएं, सो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। सो या ओवरऑल गल्फ एयर इट इज़ गुड। हमारा जो पहला सफ़र था रियाद से बहरीन वो इतना अच्छा नहीं था, बट दिस इज़ सो फार गुड, दिस इज़ बहरीन टू मालदीव्स, this is going quite nice. Hello, what is your name? Yeah, you can call me Jay. Okay, and I'm Kim.
having Cordova Gulf Air. Yes, ma'am. So, how's your experience as an air hostess? Oh, I'm so excited doing my job because it was my dream job, and I majored in aviation service in my university for 4 years. And finally, I got this job with my girlfriend. I'm so appreciate my company. Okay, so yeah. If someone wants to become air hostess, what do you suggest? I think you have to have some experience in service field, and also it's good if you have enthusiasm and motivation. Maybe you can be a cabin crew. Okay. So apply to Gulf Air, they will give you a chance. Uh-huh. Is there any degree? Oh, I have a bachelor degree in my university. Okay. But I think it doesn't matter. If you really want, you can do it. सैनिटाइज़र होता है बिकॉज एरोप्लेन में सबसे ज़्यादा जम्स होते हैं क्योंकि बहुत लोग आते हैं हर नेशनैलिटी के होते हैं और डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट वायरसेस आते हैं सो सैनिटाइज़र इज़ अ मस्ट थिंग सो वी हैव वन इट्स वेरी हॉट एक्चुअली इट्स डिनर रोल यू कैन से एंड वी गॉट बंच ऑफ फ्रूट्स It's butter. Then after that we have orange juice. And let's see. I got the pancake because I don't like eggs much. So let's see. Wow, very nice. Guys, जैसे कि आप लोग माले पहुँचने लगेंगे यानी मालदीव्स तो आपको इस तरह के फॉर्म दिए जाएंगे All you have to do is fill up the form and it's simple. योर नेम और जो भी आपकी डिटेल है पासपोर्ट में ताकि आपको जल्दी से वहाँ का वीज़ा मिल जाए और पीछे ज़्यादातर सिम्स की प्रमोशन होती हैं यहाँ पे जैसे हमें तकरीबन $20 में 17 GB मिल रहा है विच इज़ नॉट बैड तो या इस तरह आप लोग अपनी डील्स फाइंड कर सकते हैं अगेन गाइस जब भी आप मालदीव जाएँ वीज़ा बिल्कुल फ्री है लेकिन आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए ओके नंबर टू आपके पास होटल्स की बुकिंग होनी चाहिए अगर होटल की बुकिंग नहीं है तो आपके पास $100 प्लस $50 पर डे होने चाहिए और ये है वो खूबसूरत नज़ारे जिसके लिए मालदीव जाना जाता है और मालदीव 1200 मुख्तलिफ जज़ीरों पर मुश्तमिल है जिनमें मुख्तलिफ रिजोर्ट हैं और पास से ये आइलैंड्स कुछ इस तरह के दिखते हैं ये व्यूज़ लेने के लिए ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग फ्लाइट ज़रूर लें और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लैंडिंग अब तो बहुत अच्छा लग रहा है हाँ अच्छा लग रहा है दुनिया का एक अनोखा कॉर्नर ये है मालदीव हमारा गल्फ फ्लाइट रिव्यू बहरीन टू मालदीव्स काफ़ी अच्छा था एज़ कम्पेयर टू रियाद टू बहरीन इसके अलावा खाना और कैबिन क्रू लाजवाब था ऑलराइट गाइस तो हम लोग अभी माले एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हमने अपने लगेजेस पे ले लिए हैं तो बहुत इजी प्रोसीजर था हमें लग रहा था कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे और मैं पूरी फाइल भी लेके आया था लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे पासपोर्ट लिए और पासपोर्ट में 30 डेज़ की उन्होंने स्टैंप लगाई सो इट्स वेरी वेरी ईजी डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड हैं वो आपसे पूछ सकते हैं लेकिन हमसे नहीं पूछे सो दे आर वेरी फ्रेंडली बहुत ईजी प्रोसीजर है तो यानी मुँह चुको तो मालदीव्स आ जाओ मालदीव्स का एयरपोर्ट काफ़ी ही सिंपल है कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास रेस्टोरेंट के और निकलते साथ एक ही एग्जिट गेट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी कम रश होता है लेकिन गाइड करने के लिए लोग होते हैं वेदर जो सा है वो ऐसा जैसे पाकिस्तान में लाइक जून में होता है इट्स लाइक दिस थोड़ा सा हब्स है यहाँ पर या शायद कराची में ऐसा लग रहा है जी आइलैंड मेरे ख्याल से आप किसी भी चले जाएंगे तो वहाँ पे ये ह्यूमिडिटी तो रहेगी और दुबई का वेदर भी बिल्कुल ऐसा ही था चिपचिप है लेकिन ओवरऑल मौसम बेहतर है गाइस जो सबसे पहली चीज़ आपने आके करनी है वो ये करनी है अगर तो आपके होटल्स वाले आपको नहीं लेने हैं
तो ये मेरे पीछे जो हैं ये छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं, देखें आपका होटल स्टॉल कौन सा है उसमें जाएं एंड दे विल अरेंज यू द ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर वो नहीं प्रोवाइड करते तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। लाइक जो हमारा पहला होटल है वो है कहाँ पे, उलुलु माले, उसके लिए हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन खुद ही अरेंज करके टैक्सी में जाना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा हमारा स्टे है वो रिजॉर्ट में, उसके लिए वी विल टेक द स्पीड बोट फ्रॉम देयर और इंशाल्लाह वो वीडियो भी ज़रूर होगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं और करेंसी एक्सचेंज की भी टेंशन नहीं है, अच्छा रेट आपको मिल जाता है। एंड अभी सबसे पहले हम लोग ने जो करना है वो करना है सिम ख़रीदनी, और सिम ख़ास तौर पर ऐसी ख़रीदनी है जिस पर इंटरनेट ईज़िली चल जाओ। सो लेट्स सी सिम्स के यहाँ पे क्या रेट्स हैं एंड वी विल गेट दैट, सो स्टे विद अस। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोगों ने सिम ले ली है, ठीक है, ये सिम है और इसमें दो पैकेजेस आते हैं हमारे पास, एक 17 GB है वो $30 का है, एक 30 GB है जो कि $50 का है। हमने लिया है 17 GB फॉर $30, देखते हैं कैसे चलते हैं, अगर अच्छा हुआ तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर मोर। वन अनदर टिप जो कि मैंने इधर लोकल से पूछी है कि आप लोग डॉलर्स में जब अपनी करेंसी लाएंगे डोंट यूज़ इन डॉलर, यहाँ पर कन्वर्ट करें तो आपको रेट अच्छा मिलेगा, वरना डॉलर्स लूटने वाले पूरी दुनिया में बहुत हैं। ये है मालदीव्स का मैप और ये जितने भी आप ब्लू कलर के लाइक बड़े पैटर्न देख रहे हैं ये है जजीरे, और इसमें जितने भी ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट्स हैं ये सब के सब रिजॉर्ट हैं, ठीक है। और अभी कौन सा है, हम लोग इसके एयरपोर्ट में हैं, मालिक एयरपोर्ट में, और बाकी ये सारे के सारे छोटे छोटे से और बेशुमार हज़ारों की तादाद में जजीरे हैं। और आप लोगों को इंटरनेशनल ATMs भी काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे, तो यानी आप डायरेक्ट ट्रांसैक्शन भी अपने ATM से इजीली कर सकते हैं। मैंने भी ATM यूज़ किए थे और रेट काफ़ी एक स्टैंडर्ड रेट था, एंड करेंसी एक्सचेंज भी आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आप मालदीव से मालदीवियन रुपये से डॉलर वापस एयरपोर्ट से नहीं कर सकते। ओके शहाब, शहाब, व्हाट यू गॉट? Dollars into Maldivian rupiah and these are quite strange, but being honest, ऐसा लगता है वो हम मोनोपोली खेलते हैं उसमें ऐसे पैसे होते थे। सबसे पहले तो मैं यही देख रहा हूँ क्या ये असली नोट नहीं है, इट्स लाइक प्लास्टिक, इट्स नॉट ओरिजिनल पेपर। तो गाइस ये भी हमने कन्वर्ट किए हैं, तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल विच इज़ आइलैंड बीच हाउस, सो विल कैच अप यू हियर। तो गाइस इस एपिसोड में बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको लेके जाएंगे कैपिटल माले से उलू माले जो कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, वहाँ पे दिखाएंगे आपको लोकल फूड एंड कल्चर, हमारा होटल स्टे और बहुत कुछ। ये सब कुछ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Subscribe, yeah. Can I get subscribe, Shake Studio?